हेलो एवरीवन। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें पुट बाय मतलब टॉप बन रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम जो है हम लोग 49,500 का पुट देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है। कैंडल बहुत बड़ी बन रही है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। 400 वाला जो प्रीमियम है वही हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैंडल थोड़ी बड़ी है, यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कैंडल बड़ी है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए तो हम एंट्री बनाएंगे। उससे पहले एंट्री नहीं बनाने वाले, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कैंडल में रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तब हम कुछ करेंगे। वीबैप भी पास में है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। सिग्नल सही जगह पे बना है पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। कैंडल यहाँ पे आएगी तो हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। कैंडल को यहाँ पे आने देते हैं फिर हम यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, कैंडल ऊपर की तरफ आ रही है, थोड़ा यहाँ तक आ जाए तो हम एंट्री बना लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। ये जगह भी सही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अपने दो लोड जो है यहाँ पे हम ठीक है, दो लोड मैंने यहाँ पे अपने ऐड किए हैं। SL जो रहेगा, ठीक है, SL जो रहेगा इसके ऊपर का रहेगा। ये कैंडल हाई जो है यहाँ का SL रहेगा, हमने एंट्री बना ली है। और ऊपर आएगा तो हम लोग और थोड़ा सा एवरेजिंग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तो हमने एंट्री बना ली है, यहाँ कहीं पे एंट्री है और देखते हैं मार्केट कितना प्रॉफिट देता है या लॉस लेके हमें निकलना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए टारगेट बड़ा नहीं है, टारगेट है हमारा वीबैप। वीबैप के पास आएगा तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुक करने का हम सोचेंगे वीबैप के पास आने पे, ठीक है। एक लॉट में निकाल दूंगा वीबैप। देखिए वीबैप क्या होता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जब भी मार्केट वीबैप के पास आए, आपकी जो भी पोजिशन है उसमें से आपको 50% निकाल के 50% को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है, ठीक है। तो वीबैप बहुत स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप उसे मान सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है। तो हम लोग ने एंट्री बना ली है, SL मेरा कैंडल हाई का रहेगा। देखते हैं कितना प्रॉफिट हम इस ट्रेड में बना पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ओके, आना चाहिए वीबैप और फिर 200 EMA तक तो आना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सोचेंगे कितना प्रॉफिट हम इस ट्रेड में से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। दो ही लॉट के साथ हम लोग गए हैं, ज़्यादा लॉट साइज नहीं लिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, वीबैप आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे एक लॉट जो है अपना निकाल देते हैं, ठीक है। वीबैप पे अपना एक लॉट निकालना है हमें, ठीक है। वीबैप पे एक लॉट निकालना है और उसके बाद बाकी की पोजिशन को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट कॉस्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है सुपर अल्गो के पास सिग्नल के बाद। तो हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें लॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें वीबैप के पास जो है हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 50% प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही वीबैप के पास आए अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधा आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है, ठीक है। तो और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट कहाँ तक का मिलता है। देखिए जो टारगेट सोचा था ऑलमोस्ट हम वहाँ तक आ चुके हैं, फिर भी मैं इसको होल्ड करूँगा सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कितना है, 405, हमें करीबन 30 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। 405 जो है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 405 को SL लगा देंगे 405 का, ठीक है। 405 का हम लोग क्या करेंगे, SL लगा देंगे, ठीक है।
जिससे क्या होगा, एटलीस्ट हमें 50% क्वांटिटी में यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस लेके हम नहीं निकलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा नहीं है बट हम लोग जो है सिस्टम को फॉलो करना, यही चीज़ अगर आप 10 लॉट के साथ करोगे तो आपको 30,000 का प्रॉफिट दिखेगा। बट मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, मुझे दीजिए 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये मिल गए, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली है और बाकी का हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है। मतलब ट्रेड में हमें लॉस नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ लेके इस ट्रेड में से निकलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं कितना 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मैं टारगेट रखूंगा इस ट्रेड में। अगर 1,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। 1,000 रुपये का प्रॉफिट के लिए मुझे और करीबन 20 पॉइंट चाहिए। 20 पॉइंट मार्केट फॉल होता है तो मुझे और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दिख जाएगा इस ट्रेड में। ठीक है, तो वेट करते हैं। अभी देखिए 200 EMA का टारगेट बाकी है, अगर ये भी टारगेट हिट हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो टारगेट रहेगा हमारे लिए ये जो कैंडल है यहाँ तक का रहेगा। अभी भी देखिए अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, 200 EMA टारगेट हो सकता है, उसके बाद हम आगे के लिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करेंगे, 800 रुपीज का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है हमें। ठीक है, 800 रुपये का अभी भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं इस प्रॉफिट को जाने नहीं देना चाहता, जो भी मिल रहा है ना वो बुक करना सही रहता है। ठीक है, जो भी मिल रहा है उसे बुक करिए, यही आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अगर इसने भी अगर सपोर्ट लिया ना तो फिर मैं निकलने की ट्राई करूँगा। ठीक है, ठीक है, 900 1,000 रुपीज़ तो अनलिमिटेड टारगेट है। अगर मुझे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाता है ना तो मैं निकल ही जाऊंगा, फिर मैं वेट नहीं करूंगा। मैं पहले जो है अपना SL जो है वो निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, 900 रुपीज़, ठीक है, 900 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1,000 रुपीज़ आ चुका है। ठीक है, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ चुका है, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है अभी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन जो है उसको हम एग्जिट करने की सोचेंगे। देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, तो हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे, जितना है उतना हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है एग्जिट करेंगे। तो 869 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिला है, हमें एक हाई मिला था। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन बुक करते हैं। तो ये है सुपर अल्गो सेटअप इंडिकेटर, आराम से आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। ठीक है, करीबन देखो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, अभी मार्केट प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 34, मतलब 40 पॉइंट जो है हमें इस ट्रेड में मिले हैं। बहुत अच्छे से सेफ एंट्री हमने बनाई थी और मैंने आपको बताया भी था कि मतलब लाइव में जो भी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट को रिट्रेसमेंट पे एंट्री करिए, जिससे क्या होता है मार्केट में प्रॉफिट अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए हमने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट रिवर्स भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बना लिया, करीबन 40 पॉइंट हमने इस ट्रेड में बनाए हैं, वो भी छोटी सी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।